बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इनिशियली आई वांट टू शेयर अ वेरी ग्रेट न्यूज. जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं मे इनटेक या फिर सितंबर 22 इनटेक यूके के लिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर आनंद पाटिल और हमारे डायरेक्टर मिस्टर अमरचंद महाडा विजिट कर रहे हैं हमारे ब्रांचेस में. ये इवेंट आपका 12th मार्च से लेकर 23rd मार्च तक चलेगा. ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है. जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए वो हमारे नियरेस्ट ब्रांच विजिट कर सकते हैं. रिगार्डिंग द डेट टाइमिंग्स क्या क्या है आप हमारी स्क्रीन पे इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, एल्स यू कैन विजिट द वेबसाइट जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी इस इवेंट के बारे में. सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि हमें वीजा एप्लीकेशन में लगाने होते हैं. वीजा एप्लीकेशन के लिए वैसे तो एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग योर अकोमोडेशन, वन वे टिकट या फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस. बट आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि ऑफर लेटर आना शुरू हो गए लीगलाइजेशन के बाद हमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे ही ध्यान देना है वीजा फाइलिंग के लिए. सो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज ऑब्वियसली योर शो मनी, जो कि मास्टर्स के लिए हमें चाहिए होती 12 लाख एंड बैचलर्स के लिए 16 लाख वन मंथ ओल्ड पर स्टूडेंट के ही अकाउंट में. इसका हम लोग जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है. कुछ कॉन्सुलेट्स में ये 6 मंथ्स का मांगते हैं, कुछ कॉन्सुलेट्स में ये आपसे 3 इयर्स का भी मांग सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड करवाना होता है विद द बैलेंस सर्टिफिकेट. एक और जो क्वेरी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लास्ट इंटेक में बहुत से क्राइटेरिया चेंज हुए थे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो अभी क्वेरीज ये हैं कि स्पॉन्सर कौन कर सकता है, कि पेरेंट्स ही स्पॉन्सर करेंगे कि और जो कोई रिलेटिव है उनका उनको स्पॉन्सर कर सकता है कि या नहीं कर सकता है. तो इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली येस, पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है. बट अगर आपको पेरेंट्स स्पॉन्सर नहीं कर सकते एनी विच वेज, कोई भी मेडिकल इश्यूज हो सकता है या फिर कोई भी आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, तो उस केस में आपका कोई भी फैमिली पर्सन आपको स्पॉन्सर कर सकता है. बट प्रॉपर जो जस्टिफिकेशन है दैट इज ऑब्वियसली इट्स रिक्वायर्ड. अभी भी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है कि एजुकेशन लोन अगर हम लोग लेते हैं तो इटली के वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर ये लगा सकते हैं या फिर हम लोग नहीं इसको अटैच कर सकते. तो स्टूडेंट्स आप एजुकेशन लोन ले सकते हो इटली के लिए, बट जो लोन सेंशन लेटर होगा वो वर्क नहीं करेगा. इन दैट केस जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस चीज. अगर आप कंफ्यूज हैं अभी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि क्या क्या आपको उसमें लगाने हैं अपने वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे, देन श्योरली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. आप फेस टू फेस काउंसलिंग ले सकते हैं जूम के थ्रू. आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, देयर यू नीड टू सबमिट अ फॉर्म, देन आफ्टर our expert counselor will call you as per your suitable timing. Till then, thanks for watching. See you in the next video.